अगली खबर आ रही है उज्जैन से, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन रविवार रात करीब 11:45 पर खड़ी थी। ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसके चलते स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सौभाग्य से उस समय ट्रेन खाली थी। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन पूरी बोगी तब तक जल चुकी थी। जीआरपी थाना के सहायक उप निरीक्षक के एस टंडन ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई है। इंदौर रतलाम बिना पैसेंजर ट्रेन नागदा स्टेशन से उज्जैन शाम 7:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी। ये इसका आखिरी स्टॉपेज था। ट्रेन से यात्रियों के उतरने के बाद रात 8:40 पर उसी प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर खड़ा कर दिया गया था। यह गाड़ी सुबह उज्जैन स्टेशन से इंदौर के लिए 8 बजे होती है। जीआरपी थाना प्रभारी आर.एस. महाजन ने बताया कि गनीमत रही हादसे के वक्त ट्रेन पूरी तरह खाली, ट्रेन के सभी डिब्बे बंद थे, इसलिए संभावना कम है कि किसी ने शरारत की हो। संभवतः शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लगी है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, पर जिस बोगी में आग लगी थी वह पूरी तरह जल गई। घटना कैसे हुई इसके लिए रेलवे की तकनीकी टीम में भी जांच कर पता लगाएगी। फिलहाल ट्रेन के एक डिब्बे को छोड़कर शेष डिब्बे सुरक्षित हैं और ट्रेन खाली थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।